गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? होप यू ऑल आर फिट एंड फाइन एंड हेल्दी. सो स्टूडेंट्स, वी आर डूइंग चैप्टर नंबर 13, गेम्स वी प्ले. ओके, सो स्टूडेंट्स, नाउ टुडे इन आवर प्रीवियस क्लास वी हैव फिनिश्ड एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस चैप्टर. ओके, आई एक्सप्लेन यू चैप्टर. ओके, एंड आई आस्क्ड यू, नो बडी इज हैविंग एनी डाउट. सो वॉट वी विल डू नाउ, we will do the question answers. Okay, so students, you will do this in your book. Okay, whatever I had done here, maine jo bhi ye yahan pe aapke fill ups hain, hai na, time to answer, ye true or false hai. Okay, fill in the blanks, then this fill in the blanks. So you, what you will do, you will do this in your note, in your book. Aapko ye sara work book mein karna hai. Okay students, only this question number D, ये जो क्वेश्चन नंबर डी है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, सिर्फ ये वाले 5 क्वेश्चंस आप नोटबुक में करेंगे, ईवीएस नोटबुक में. ओके, बाकी बेटा ये सारा वर्क जो है ये आप अपनी बुक में ही करेंगे. सो आई विल एक्सप्लेन यू वन मोर टाइम. ओके, हाउ यू विल डू. सो दिस इज टाइम टू आंसर, फिल इन द ब्लैंक्स. ओके, शतरंज इज ऑल्सो कॉल्ड चेस. ओके, देन माला मीन्स, मल मीन्स जिमनास्ट, एंड खम मीन्स पोल. ओके, कबड्डी इज अ टीम गेम. यस, देन वी विल मूव टू अवर नेक्स्ट पेज. ये पेज नंबर 99 पे हमें करना था, आप भी अपनी बुक में 99 पेज पे ये कर लेंगे. ओके, वैसे मैंने क्लास में करवा दिया था, बट फिर भी जिसने नहीं किया है वो अब कर लेंगे. ओके, आफ्टर दैट यू विल डू दिस 101, ट्रू फॉल्स. ओके, इवेंट्स लाइक रनिंग एंड जंपिंग आर अ पार्ट ऑफ एथलेटिक, सो इट इज ट्रू. Football is a sport in which a ball is thrown into a basket, so it is false. Okay, क्योंकि जो football वो जो game है उसको क्या करते हैं, basket में नहीं डाला जाता है, जिसे basket में डालते हैं उसे basketball कहते हैं. Okay, now snooker is a club and ball sport, so it is wrong. ये club and ball sport नहीं होता है, ये golf जो होता है वो होता है club and ball sport. Okay, स्नूकर नहीं होता है. देन टेबल टेनिस एंड लॉन टेनिस आर टू फॉर्म्स ऑफ टेनिस. टेनिस के दो फॉर्म है, यानी कि दो रूप है. ओके, वन इज टेबल टेनिस एंड देन लॉन टेनिस. टेबल टेनिस में टेबल पे टेनिस खेला जाता है, एंड लॉन टेनिस में लॉन में, यानी कि गार्डन में खेला जाता है. ओके, देन वी विल मूव टू दिस फिल इन द ब्लैंक्स, पेज नंबर 102. एक्टिविटीज सच एज पेंटिंग एंड क्ले मॉडलिंग आर कॉल्ड क्रिएटिव आर्ट्स. इसे क्या कहा जाता है, क्रिएटिव आर्ट कहा जाता है. देन एक्टिविटी लाइक सिंगिंग एंड डांसिंग आर कॉल्ड परफॉर्मिंग आर्ट्स. ये हम परफॉर्म करते हैं, इसीलिए यहाँ पे परफॉर्मिंग आर्ट. बेटा ये मैंने दो जगह लिख दिया, क्योंकि यहाँ पे स्पेस नहीं थी ना, तो मैंने यहाँ लिखा, तो आई थॉट कि आपको ये कुछ समझ नहीं आया, इसीलिए मैंने फिर से ब्रैकेट में लिख दिया. तो आप ये एक ही बार लिखेंगे. ओके, दो बार मत लिख लेना, ठीक है. परफॉर्मिंग आर्ट, इट इज इंपॉर्टेंट टू मेंटेन अ बैलेंस बिटवीन वर्क एंड प्ले. हमें मेंटेन करना चाहिए बैलेंस, किसके बीच में, वर्क एंड प्ले के बीच में. ओके, After that, we will move to page number 103. Okay, fill in the blanks. Here help box is there, है ना, help box दिया है, तो हमें क्या करना है, यहाँ से देख के fill करना है. Games keep us fit and healthy. Yes, games played by young people involve a lot of physical activities. Yes, young people जो खेलते हैं उसमें क्या होता है, बहुत ज्यादा physical activities होती है, जैसे कि cricket है ना, basketball, football, इनमें बहुत ज्यादा फिजिकल एक्टिविटीज होती है. ओरिगेमी इज अ क्रिएटिव आर्ट. ओरिगेमी जो है वो क्या है, क्रिएटिव आर्ट है. गोल्फ इज अ क्लब एंड बॉल स्पोर्ट. बास्केटबॉल हैज टू टीम ऑफ 5 प्लेयर्स ईच. ओके, देन राइट ट्रू और फॉल्स. अगेन, बैडमिंटन इज एन आउटडोर गेम ओनली, सो इट इज फॉल्स. नहीं, बैडमिंटन हमें दो टाइप से खेल सकते हैं ना, एक तो लॉन टेनिस होता है, एक टेबल टेनिस होता है. ओके, सो बैडमिंटन इज एन आउटडोर गेम ओनली. नहीं, हम इसे सॉरी वो टेबल टेनिस होता है. ओके, सॉरी, बैडमिंटन हम घर में भी खेल सकते हैं और बाहर भी खेल सकते हैं, जो कि ये रहा बैडमिंटन. ओके, वन मिनट, आई विल शो यू. दिस इज द बैडमिंटन जो होता है, उसमें रैकेट होती है और शटल कॉक होती है, उससे हम बैडमिंटन खेलते हैं. ओके, तो बैडमिंटन को हम घर में भी खेल सकते हैं और बाहर भी खेल सकते हैं. ओके, सो ये ओनली आउटडोर गेम नहीं है, ये दोनों ही गेम है, इंडोर एंड आउटडोर गेम बोथ. सो इट इज फॉल्स. गेम्स हेल्प अस टू रिलैक्स, ट्रू, है ना. मलखम्ब वॉज ओरिजिनेटेड इन द 12th सेंचुरी, इट इज ट्रू. क्रिकेट इज एन आउटडोर, सॉरी, क्रिकेट इज एन इंडोर गेम, फॉल्स.
क्रिकेट जो है आउटडोर गेम है, इंडोर हम घर में क्रिकेट नहीं खेल सकते हैं. ओके, एथलेटिक्स इज प्लेड बाय टू टीम्स, सो इट इज फॉल्स. ओके, देन एनसर्कल द ऑड वन आउट. चेस, कैरम, हॉकी, लूडो. तो ये जो चेस, कैरम और ये लूडो है ये क्या है? इंडोर गेम्स है, लेकिन ये हॉकी जो है ये आउटडोर गेम है. ओके, देन लॉन टेनिस, क्रिकेट, हॉकी एंड पच्चीसी. तो लॉन टेनिस, क्रिकेट और हॉकी ये मॉडर्न गेम्स है, लेकिन ये पच्चीसी जो है ये ट्रेडिशनल गेम है. ओके, सो दैट्स व्हाई वी एनसर्कल इट. शतरंज, गिली डंडा, खो खो एंड क्रिकेट. हियर ऑल्सो सेम, ये जो है ट्रेडिशनल गेम है, क्रिकेट जो है वो मॉडर्न गेम है. देन क्रिकेट, फुटबॉल, बास्केटबॉल, कबड्डी. हियर ऑल्सो सेम. ओके, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन. नाउ वॉट यू विल डू, आप ये क्वेश्चन लिखेंगे, क्वेश्चन नंबर डी, अपनी नोटबुक में. ओके, यहां तक क्वेश्चन नंबर ए से लेके ई तक, सी सी तक. ओके, आप क्या करोगे, सी तक ये आपको बुक में ही वर्क करना है. उसके बाद में हम ये जो क्वेश्चन आंसर्स है, ओनली दिस वर्क वी विल डू इन योर, यू विल डू इन योर नोटबुक. ये आपको नोटबुक में करना. ओके, ये फाइव क्वेश्चंस है और ये मैंने इसके आंसर्स यहाँ पे लिखे हुए हैं. ओके, सो आप क्वेश्चन जो है वो यहाँ से कॉपी करोगे, हाउ वर ट्रेडिशनल गेम्स हेल्पफुल टू अस, और इसका आंसर ये है, ट्रेडिशनल गेम्स वर हेल्पफुल टू अस एज दीज वर कंसिडर्ड अ काइंड ऑफ रिक्रिएशन. दे ऑल्सो प्लेड अ वाइटल रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल्स पर्सनैलिटी. ओके, देन क्वेश्चन नंबर टू, डिफाइन एथलेटिक, यानी हमें एथलेटिक की डेफिनेशन देनी है. एथलेटिक्स इज अ कलेक्शन ऑफ स्पोर्ट्स इवेंट्स दैट इन्वॉल्व रनिंग एंड जंपिंग. ओके, देन क्वेश्चन नंबर थ्री, व्हाट इक्विपमेंट डज बैडमिंटन रिक्वायर टू प्ले, यानी कि बैडमिंटन खेलने के लिए हमें कौन से इक्विपमेंट की जरूरत पड़ती है. सो बैडमिंटन रिक्वायर्स अ शटल कॉक एंड रैकेट्स टू प्ले. इसमें शटल कॉक और रैकेट्स जरूरत पड़ती है इन चीजों की. व्हाट इज ओरिगेमी, ओरिगेमी इज अ ट्रेडिशनल जापानीज फोक आर्ट ऑफ पेपर फोल्डिंग. ओके, देन व्हाट, क्वेश्चन नंबर फाइव, व्हाट आर परफॉर्मिंग आर्ट, क्या होता है परफॉर्मिंग आर्ट. एक्टिविटीज सच एज डांसिंग, सिंगिंग, एक्टिंग और प्लेइंग अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट आर कॉल्ड परफॉर्मिंग आर्ट. जो हम परफॉर्म करते हैं ना, उसे हम क्या कहेंगे, ये जो एक्टिविटीज हैं, डांसिंग, सिंगिंग, एक्टिंग, ये सारी चीजें परफॉर्मिंग आर्ट्स होती है. ओके, सो स्टूडेंट, आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड टिल हियर, एंड आई विल चेक योर नोटबुक वर्क इन योर नेक्स्ट ईवीएस क्लास. ओके, सो यू विल डू दिस वर्क इन योर नोटबुक. ये क्वेश्चन आंसर्स जो है, फाइव क्वेश्चन आंसर्स, ये अपनी नोटबुक में करेंगे आप, और ये जो बाकी का वर्क है ये सारा आप अपनी बुक में कर लेंगे. ओके, सो थैंक्स फॉर दिस क्लास, गुड डे.